एक ऐसा पाप जो अनजाने में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने आप को कोसना। कई लोगों को मैंने देखा है जब उनके विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है उनकी स्थिति में, वो अपने आप को कोसते हैं, प्रकृति को कोसते हैं, कई बार परमात्मा को कोसते हैं। ये दुनिया का बहुत जघन्य पाप है साहब, पता है क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं कोस रहे, आप उस विधाता के विधान में टांगड़ा रहे हो। हम वही प्राप्त कर रहे हैं जो हमने किया था, और जो किया था अब उसका फल मिल रहा है, तो हम किसी और, हम कह रहे हैं ये तो गलत है, तो ये तो फिर गलत बात है ना। किसने मना किया कि भजन मत करो? किसने किया कि कहा कि सत्संग मत करो? लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो इसमें गलती किसकी है? किसी और की नहीं है। ये विचार करके देखना अपने जीवन के अंदर, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी मैं इसको बहुत बड़ा पाप समझता हूं, अपने आप को कोसना, ये पाप है। और पता है महापाप क्या है? दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, उनको कोसना, महापाप है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, उसके वजह से ये हुआ, ना किसी के वजह से होता है, ना किसी के वजह से हुआ है, जो होता है अपने वजह से होता है, दूसरा तो कारण बनता है सिर्फ, इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। तय मान के चलना है इस बात को।